ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जो हम सोचते हैं वो तो कभी होता ही नहीं है और कुछ हो जाता है। कई बार जो सोचते हैं हमेशा उसका विपरीत ही होता है, और जो सोचकर हम चीज़ें कर रहे हैं ऐसा तो कभी होता ही नहीं, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। इसलिए हमने अब सोचना ही बंद कर दिया है, कुछ अच्छा बुरा हमने सोचना ही बंद कर दिया है। ये प्रश्न, ये सवाल बहुत सारे जातक मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मुझे जतिन जी ने पश्चिम बंगाल से लिखा है कि जो भी चीज़ें मैं सोचता हूँ अपनी लाइफ में वो कभी मेरे साथ नहीं हुई है। मेरी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है लेकिन अभी तक कभी भी जो भी चीज़ें मैंने सोची है वो नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों होता है किसी भी जातक के साथ, और इसके पीछे कौन से ग्रह काम करते हैं? तो आइए हम जानते हैं आज कि जो सोचते हैं वो नहीं होता है, और क्या करें कि जो सोचें वही चीज़ें हमारे साथ हो। ये एक लाइन जो हमेशा बहुत पॉपुलर लाइन है कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो बहुत अच्छा। मन को समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई जातक बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयत्न करता है, और प्रयत्न के बाद भी जो चीज़ें वो सोच कर एक प्लानिंग कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, और जब उसे वो नहीं मिलता है पूरी मेहनत करने के बाद, तब उसे हताशा और निराशा मन में आना स्वाभाविक है। तब वो सोचता है कि क्या हो ऐसा तरीका जिससे कि जो भी चीज़ें मैं सोचूं वो हो, उसके पीछे का क्या बातें हैं जो मुझे जानना चाहिए अपनी निजी कुंडली के बारे में, अपनी राशि के बारे में, और मुझे अपने बारे में ये जानना चाहिए। तो ये बात आपके सोचने पर है, ये बात आपके विचारों पर है। ये बात आप जो सोचो वो हो, उसके लिए कौन से मंत्रों के प्रयोग किए जाना चाहिए, उसके लिए कौन से उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या तरीका है जो सोचो आपका आपकी लाइफ में वही हो। यह बात जानने के लिए इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। यहाँ से एक निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, तभी वीडियो को यहाँ से आगे देखें। साथ ही साथ कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम आप ज़रूर लिखें। चाहते अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, मतलब जन जीवन में कोई तकलीफ, परेशानी या कोई भी चिंता से आप वर्तमान गुजर रहे हैं जो आपको परेशान कर रही है, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, जब कभी भी मन में हम जो चीज़ें सोचते हैं, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर हो, तो उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। हम जब भी किसी व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो कभी भी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही व्यक्ति सोच सकता है, अच्छा नहीं सोच सकता है। दूसरी गलती यहाँ पर होती है कि जो भी सोचते हैं वो कभी भी किसी को प्लानिंग पब्लिक डोमेन में नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब भी पब्लिक डोमेन में वो बातें चले जाती है तो जो लोग हमसे जलने वाले हैं, जो लोग हमारा अच्छा नहीं सोचते, ये ऐसा हमें लगता है कि कोई हमारा हमसे जलता नहीं, और हम ऐसा सोचते हैं कि कोई हमारा बुरा नहीं सोचता, पर ये वास्तविक सच नहीं है। जलने वाले जलते हैं, बुरा मानने वाले बुरा मानते हैं, और जो आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं वो हमेशा विद्यमान रहेंगे। तो वो लोग कई बार इन प्रकार से रोड़े अटकाते हैं। तीसरा एक रीज़न होता है कि जब कभी जो चीज़ें सोचते हैं वो बदल देते हैं, कि हर 4 महीने 2 महीने में जो सोचा कि ऐसा हो जाए फिर आपने बदल दिया, तो एक स्थिर सोच ना होने की वजह से भी ये परेशानियां उत्पन्न होती है। अब ये तो बेसिक चीज़ें, इन्हें सही करना ही है, लेकिन अब इसके बाद मूल बातों पर हम आते हैं। सबसे पहली बात है कि जो भी सोचें वो भगवान शिव पर अर्पित कर दें, अपने इष्ट देव पर अर्पित कर दें, आपके जो भी इष्ट देवता हैं उन पर अर्पित करें कि हे ईश्वर, ये मेरी मन की इच्छा है, ये कामना है, ये मैं सोच रहा हूँ, ये से आप पूर्ण करें, और भूल जाए, तब वो काम भगवान के हिस्से का हो जाएगा और वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वैसा होता दिखाई देगा। दूसरा है कि जो आपने सोचा है उसके प्रति बहुत पॉजिटिव आपको खुद को रहना है, खुद उस चीज़ को महसूस करना है, उसको विश्वास खुद का उस पर होना चाहिए। जब खुद का विश्वास होगा वो चीज़ें बिल्कुल होगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो मंत्रात्मक बात है, नियमित गीता का पाठ करें। गीता एकमात्र ऐसे वचन हैं जो चीज़ें हम लाइफ में सोचते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में होगी सिर्फ गीता के वचन से, क्योंकि गीता के पाठ करने से लाइफ में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये मंत्र है, उस मंत्र को समझें। इसके अलावा गुरु मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय।